Hello guys, welcome back to our PUBG Nifty video. That is the much awaited video of every time I believe, and hopefully सब कोई अच्छा कर रहे हो. एंड बेसिकली आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि PUBG न्यू स्टेट में सेटिंग्स एंड सेंसिटिविटी वगैरह कैसे वर्क करती हैं. एंड हम वीडियो में मैं अपना सेंसिटिविटी वगैरह भी शेयर करूँगा, सेंसिटिविटी कोड भी शेयर कर दूँगा. सो लेट्स गो गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. एंड एज यूजल हम लोग आ गए हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में. एंड यहाँ पे हम जो हमेशा रोज आके ट्रेनिंग ग्राउंड में पिक करते हैं, गन्स, एमोस, यू नो ऑल दी पेरिफेरल्स दैट वी नीड, सब कुछ हम यहाँ से पिक करेंगे एंड फिर हम चलेंगे ट्रेनिंग में. तब तक के लिए गाइस, यार चैनल पे अगर आप नए हो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना. एंड अगर पुराने ग्राउंड है भाई यार लाइक करना भूलना मत, नए पुराने वो दोनों लाइक करना भूलना मत. एंड शेयर जरूर करना दोस्त लोगों को, ताकि थोड़ा दूसरों का भी अच्छा हो जाए यार, नो उन लोगों को भी थोड़ा नो सेंसिटिविटी वगैरह मिल जाए उन लोगों को. बेसिकली ये एंड्रॉयड फ़ोन के लिए सेंसिटिविटी है अगर, तो चेकआउट कर लेना वीडियो पूरा, होपफुली तुमको अच्छा लगेगा. एंड एज ए सेड, लाइक करना भूलना मत, सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो, एंड शेयर करना ज़रूर. सो बेसिकली ये मैं ट्रेनिंग ग्राउंड पर आ गया गन लेके, एंड एज यूजुअल M4 सबका फेवरेट. एंड मेरा जो ये पहला का जो सेंसिटिविटी है, मैं उसको ही बस ट्राई कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि थोड़ा सा रफ आइडिया हो जाना चाहिए कि मेरे को ये आगे जाके कम करना है फिर ज़्यादा करना है. सो बेसिकली यहाँ पे आपको जो स्क्रीन पे देख रहा है, ये जो फर्स्ट स्क्रीन है, इधर तुमको बस TPV कैमरा एंड FFV कैमरा एंड पैराशूट का जनरल नॉर्मल जो तुम्हारा आई व्यूज होती है स्किन, वो वाला है, तुम वहाँ पे पॉज करके देख लेना. और ये वाले पार्ट में हम बेसिकली कवर कर रहे हैं सारे ADS एंड फायरिंग के टाइम के जो FFV कैमरा मूवमेंट का जो नो सेंसिटिविटी है उसको हम कवर कर रहे हैं. तो चेकआउट कर लेना एंड दैट इज इट. लेट्स गो एंड ट्राई करते हैं सारे स्कोप्स जो हम उठा के लेके आए हैं. एंड फर्स्ट हम लोग जाएंगे हमारा प्यारा दुलारा 3X की तरफ, मतलब बेसिकली 6X को 3X करके चलाएंगे. तो एंड एज यूजल हम यहाँ पे हैं ADS में. सो देखो ADS, तुम लोग सब कोई प्रो हो यार, पता है मुझे, तुमको पता है ADS क्या होती है. एंड तुमको पता है कि यू नो नॉर्मल कैमरा मूवमेंट्स के लिए कौन सा सेंसिटिविटी होती है. तो इसमें बेसिकली वही है, बट कॉन्सेप्ट सेम है, बट मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है BGMI या फिर PUBG से कह लो. बिकॉज नो देखना तुम, मैं अपना जो भी सेंसिटिविटी है मेरा गायरों का हो गया या फिर कैमरा मूवमेंट का हो गया, तो मैंने कुछ बहुत ज़्यादा नहीं रखा है, बहुत कम भी नहीं रखा है, मीडियम मीडियम रखा है, ताकि मतलब वो सही से, बिकॉज इसमें एकदम से कम्प्लीटली डिफरेंट मैकेनिज्म जो है इंट्रोड्यूस किया गया है PUBG की तरफ से. तो चलो एंड देखो यहाँ पे बेसिकली मैं फर्स्ट जारो को दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो कैमरा मूवमेंट एंड ADS का नो था सेंसिटिविटी, मैंने उसको ज़्यादा छेड़ा नहीं है, क्योंकि वो ठीक ठाक ही है, बट हमको ज़्यादा अगर काम करने की चीज़ पर वो है जायरो. तो बिकॉज आज भी नो जायरो के बिना काम चलता नहीं है. सो ये देख लो, मैं अपना 3X का जो स्कोप का जो है उसको एकदम से पहले ज़्यादा कर लिया एंड फिर उसको धीरे 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 कम करते करते आया हूँ. ये हर एक स्कोप के लिए तुमको करना है. आपको 3X लेना हो, 6X लेना हो, 4X लेना हो, सारा स्कोप लेके आना एंड हर एक पे से ट्राई करना. पहले ज़्यादा कर लेना एंड फिर फायर करना, अगर तुमको अच्छा लग रहा है उस पर रहना दे, अगर तुमको ज़्यादा लग रहा है ज़्यादा हिल रहा है तुम्हारा स्कोप, तुम कम करते कर देना जहाँ पर तुमको सही लगे वहाँ पर करना. मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारा फ़ोन मेरा फ़ोन वैरी करेगा गाइस, ठीक है ठीक है. अगर तुम्हारा फ़ोन मेरा फ़ोन वैरी करेगा तो जायरो भी वैरी करेगा. तो मैं तुमको नॉर्मल प्रोसेस बता दे रहा हूँ कैसे सेट करना है. बाय द वे मैं वीडियो में तुमको तो शेयर कर ही देने वाला हूँ मेरा सेंसिटिविटी कोड वगैरह, अगर तुम चाहो तो यूज़ कर सकते हो, नॉट एन इशू, मेरे को ही खुशी होगी. सो हमने 3X 6X के लिए ट्राई कर लिया, अगेन सेम फॉर 4X 4X में ट्राई कर लिया हमने, अभी 2X के लिए है. तो 2X में भी मेरा सेंसिटिविटी जो था मेरे को थोड़ा कम लगा, सो हम थोड़ा उसको ज़्यादा कर लेते हैं, फिर अगर हमको सही लगा तो हम उसको वापस से कम कर लेंगे. लेकिन मेरे हिसाब से मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए था, क्योंकि मेरे को नो स्प्रे ट्रांसफ़र करना अच्छा लगता है कि टाइम पे, सो मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए. सो देख लेना तुम लोग यार उस हिसाब से. एंड यहाँ पे हमारा 2X साइज से सेट हो गया.
तो फिर हम चले हैं वाइपर। देखो गाइस गेम में होलोग्राफिक साइट नहीं मिलते, मुझे लग रहा है होलोग्राफिक को वाइपर से ही रिप्लेस कर दिया गया है। एंड तुमको जैसे पता है रेड डॉट बाई डिफॉल्ट लग के आता है सारे एआरस में, एंड एसएमजी में तो नहीं आता है। बट यस यस ही है सिनारियो, बट देख लेना तुम लोग यार। मेरे को तो रेड डॉट ही पसंद है क्योंकि मैं ओल्ड स्कूल हूँ। सो बस बेसिकली हम ऐसे ही सारे के लिए, देखो मैंने 6x से स्टार्ट किया एंड 3x बना के, बेसिकली 3x 4x 2x एंड रेड डॉट या फिर तुम्हारा वाइबर कह लो, ये सारों के लिए हम लोगों ने ऐसे ही जैसे मैंने बताया पहले ज़्यादा कर लेना, फिर उसको धीरे धीरे कम करते 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 स्प्रे करके और स्प्रे ट्रांसफर करते हुए चेक करना, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। तो जैसे तुमको सही लगे उसके बाद बस रहने देना, ऐसा हर एक स्कोप के लिए तुमको करना है। एंड यहाँ पे देखो जैसे कि मेरा रेड डॉट का एंड वाइपर का दोनों का सेंसिटिविटी सेम रखा है, तो एकदम मस्त स्प्रे ट्रांसफर। और ये देखो गाड़ी, अगर तुम लोग कार ट्रेसिंग भी करना चाहते हो इजी, कार से बंदे गिरा सकते हो मार के। यार देखो यार क्या मक्खन स्प्रे हो रहा है यार। सो मेरा कोड अगर कॉपी करना है तो कर लेना यार, मेरा सेंसिटिविटी भी कॉपी कर सकते हो तुम, ठीक है ना। सो इस बात पे गाइस यार यू नो तुम लोग फुल रेडी हो मेरे हिसाब से, थोड़ा बहुत गाइड हो गया तुमको कैसे करना है। वीडियो में तुमको तो सेंसिटिविटी वगैरह दिख ही जाएगा कैसे करना है, सो चेकआउट कर लेना। और ये मेरा कंट्रोल है, बेसिकली मैं सबसे एंड वाला कंट्रोल पे खेलता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये मेरा ग्राफिक्स का सेटअप है जो मैं अभी ऐसे ही खेलता हूँ स्ट्रीम के टाइम पे भी। अच्छा स्ट्रीम से याद आया गाइस, यार मेरा रोज़ का स्ट्रीम होता है, ठीक है। सो रोज़ का रात को भी स्ट्रीम होता है, मॉर्निंग भी कभी कभी स्ट्रीम करता हूँ, बेसिकली रात को ही स्ट्रीम होती है, 8 बजे से 9 बजे स्टार्ट करता हूँ। सो ज्वाइन करना स्ट्रीम को, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे करना, भूलना मत गाइस। जैसे तुम लोग बेल को ऑल आइकन पे करोगे तो मेरा नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। सो याद रखना सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पे करना, लाइक करना भूलना मत, एंड स्ट्रीम ज्वाइन करना गाइस। और ये देखो हम लोगों का जायरो, ये वाला मेरा जायरो को पूरा तुम लोग आराम से देख लो, ये मेरा फाइनल है जायरो। एंड ये ADS फायर, ये मैं इसको मैंने ज़्यादा छेड़े नहीं है, तो तुम लोग इसको सेम टू सेम कॉपी कर सकते हो, ये अच्छा है, ठीक है। बेसिकली ADS तुमको पता है यार गाइस, सर ADS में तुम लोग फायर करने के टाइम पे जो स्प्रे ट्रांसफर के लिए कैमरा का यूज़ होती है, एंड और तुम्हारा नॉर्मल जो होता है फायर के समय पे, नॉर्मल फायरिंग के टाइम पे जो कैमरा तुम्हारा होता है ADS, समझ गया ना, मतलब फायर नॉर्मल फायर क्या होती है। और ये रहा मेरा सेंसिटिविटी कोड, चेकआउट कर लेना सेंसिटिविटी कोड को, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मेरा सेंसिटिविटी कोड, तो कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है। सो बेसिकली गाइस यही था वीडियो में पूरा, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए यार गाइस बाय बाय। एंड वीडियो को प्लीज़ यार प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है, बिग थम्स अप दे देना जैसे मैं अभी दे रहा हूँ, एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत, बेल आइकन को ऑल पे करना, एंड दोस्त लोगों को शेयर करना। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, टिल देन एंड स्ट्रीम में, अगले स्ट्रीम में मिलते हैं, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, चुम्मी गाइस, साइनिंग ऑफ।